हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 27 जनवरी 2024 में मेंस के एग्ज़ाम में शिफ्ट वन डेट इज़ मॉर्निंग शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन का एनालिसिस। और ये सब जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड हैं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर वन, मोस्ट एसिडिक पूछा गया होगा या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो अल्कोहल है, ये फिनॉल हो गया, राइट, ये भी फिनॉल है और ये भी फिनॉल है। अब यहाँ पे तीनों फिनॉल हैं तो इसमें ग्रुप लगे हुए हैं, इसका यूनो प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है तो माइनस एम इफेक्ट होगा और इसका भी माइनस एम। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है अगर मोस्ट एसिडिक पूछा गया तो डी हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस एम ग्रुप सपोर्ट करेंगे, एसिडिक ऑर्डर को बढ़ाएंगे। और अगर ऑर्डर पूछा जाए तो डी, फिर सी, चूँकि ये फिनॉल है, फिनॉल ऑलवेज एसिडिक होता है अल्कोहल से, सो बी देन ए, तो ये होगा। और इस कंसेप्ट को मैंने अपने वीडियो लेक्चर जीओसी वन में सेवन में डिटेल एनालिसिस किया हुआ है और सिंपल मेरे ट्रिक से क्वेश्चन सब आ रहे हैं, आप देख सकते हो जस्ट यहाँ पे जा कर के टू क्रॉस वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर टू, कैनॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इस टाइप का क्वेश्चन एक था। तो यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन में ऑप्शन बताना था, तो डेफिनेटली कौन हो जाएगा, फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है कंपाउंड में माइनस वन, अदरवाइज जीरो तो सबका कॉमन है, तो इसलिए ऑप्शन रहेगा बी। ये हमने रेडॉक्स में हैशटैग वन में वीडियो लेक्चर में ये ट्रिक्स दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पोलर मॉलिक्यूल इसमें पहचानना था, तो इसका ट्रिक्स हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट थ्री में दे रखा है। वेरी सिंपल ट्रिक्स था कि अगर सेंट्रल एटम के चारों ओर सराउंडिंग एटम सेम हो और कोई भी लोन पेयर नहीं हो तो वो नॉन पोलर होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग सेम है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एल्कीन हो गया, राइट, दोनों तरफ हाइड्रोजन ही है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, या एक तरह से सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये, तो ये भी आपका नॉन पोलर होंगे। पोलर पूछा है तो CaCl3 होगा, क्यों, क्योंकि एक हाइड्रोजन तीन क्लोरीन है, आपको मालूम है कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो लेस से मोर की तरफ जाते हैं, तो इधर की तरफ एरो दिखाएंगे, राइट, और कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज़्यादा है तो इधर की तरफ, तो ओवरऑल ये एडअप हो जाएंगे, तो कभी भी इसका म्यू जो है वो जीरो नहीं होगा, तो यही पोलर होगा, तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा। इसका भी हमने ट्रिक्स आपको केमिकल बॉन्डिंग पार्ट थ्री में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फोर में इसका IUPAC नेम बताना था, तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप हैं, राइट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना ये ध्यान रहे, और लोएस्ट लोकेंट सम होना चाहिए, तो यहीं से करेंगे स्टार्ट, 1, 2, 3, तो राइट, तो थ्री पे क्या हो जाएगा, इथाइल, क्यों, क्योंकि ई अल्फ़ाबेट में पहले आते हैं, उसके बाद 1, 1 डाई मिथाइल, यू नो डाई ट्राई को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं, तो ये एम है, और ये जो है वो साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेन, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3-ethyl-1,1-dimethyl साइक्लोहेक्सेन। और इसका ट्रिक्स हमने GOC2 में #2 सेकेंड वीडियो लेक्चर में दे रखा है, आप देख सकते हो वहाँ पर जा कर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में ये कंपाउंड गिवन था, इसके बारे में पूछा गया था ये कैसा है, तो ध्यान से देखो, ये एरोमेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि सारे रिंग में रेजोनेंस नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो सकता, असाइक्लिक तो है ही नहीं क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो बचा क्या, एलीसाइक्लिक, राइट, इसके बारे में GOC1 में #9 वीडियो लेक्चर में मैं ट्रिक्स दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें किसका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सल्फर +6 में, यहाँ पे H2SO3 में, इसी में +4 में, यहाँ पे अगेन ये +6 में आ जाएगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, और ये वाला बैरियम सल्फेट में 6 है, तो आंसर क्या होगा, बी। इसके बारे में रेडॉक्स में #1 में मैं आपको ट्रिक्स दे रखा हूँ। स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेट बेस कौन होगा इनमें से पूछा गया था, तो बेस वो होते हैं जो ईजिली लोन पेयर दें, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा तो ये जल्दी नहीं दे सकता, यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो नहीं दे सकता, यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में और एरोमेटिक भी है तो नहीं दे सकता, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं, तो ऑप्शन डी होगा। इसके बारे में GOC1 में #7 में मैं डिस्कस कर रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट में रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज आर, रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ पे एटम मेंशन नहीं किया तो हाइड्रोजन हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट का आर है
रेडियस जो होता है वो डाइटीपोशल टू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, राइट। तो अगर थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो आर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ए नॉट लेता हूँ, और ये 3 का स्क्वायर 9, जेड तो 1 ही हो जाएगा, राइट, तो ये हो जाएंगे। और अगर मैं फोर्थ की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो ए नॉट सम कॉन्स्टेंट 16, राइट। तो यहाँ से ए नॉट आप क्या लिख सकते थे, आर बाई 9, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 R/9, सो ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये वाले का पूरा डिटेल ट्रिक्स हम दे रखे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर #4 वाले वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ND60 जिसका एटॉमिक नंबर है, तो इसका मैं पूरा ट्रिक्स दे रखा हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं एफ ब्लॉक में कर करके, डी एंड एफ ब्लॉक वाले वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 60 होना चाहिए, अगर आप काउंट करोगे तो एक ही में हो रहा है, ऑप्शन ए में, ऐसे भी आप चेक कर सकते थे। दूसरा ये कि इसका कैसे करते हैं, तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस ज़ेनॉन हो गया, राइट। तो डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एस में 2 फिक्स होते हैं, बाकी जितने भी, तो ये 54 और 2 56 और ये 4 60 हो जाएगा। सिर्फ सी गॉड लॉफ डैट मीन्स सी ई जी डी एंड एल यू, इनमें डी में 1 होता है, रेस्ट में सब में डी में 0 होते हैं, और एस में 2 फिक्स होते हैं, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन आपको किस में बनना होता है, एफ में। तो इसका भी ट्रिक्स दे रखा हूँ, आप देख सकते हो वहाँ पे जा करके। क्वेश्चन नंबर 10 में ये इथाइल अल्कोहल है, कॉन्क HCl एंड ZnCl2 टर्बिडिटी कितने टाइम्स में आएंगी, राइट। तो ये हमने ऑल टेस्ट एट वन प्लेस करके एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ, वहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ इसके ट्रिक्स को। तो यहाँ पे चूंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो इसलिए जो टर्बिडिटी आएगी वो काफ़ी टाइम बाद आएगी, तो इमीडिएट तो हो नहीं सकता, 3 डिग्री में होता है, 10 टू 12 मिनट भी नहीं हो सकते, मोस्टली वो 2 डिग्री में होते हैं या 5 to 7 वाले, तो ये तभी आएंगे जब आप हीट करेंगे काफ़ी देर तक, इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 में स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेलिक बॉन्ड, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, अगेन ये डी ब्लॉक के कंसेप्ट से वो बनाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, ये डी ब्लॉक में पहले ही वीडियो लेक्चर में अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं बता रखा हूँ, जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एस में 1 और डी में 5 के 5 अनपेड, तो इसमें टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं होंगे अनपेड, और डी में 7 होने की वजह से 3 ही अनपेड हो पाएंगे यहाँ पे, जबकि इस केस में आपका 4 ही अनपेड हो पाएगा और इस केस में आपका 3 ही अनपेड हो पाएंगे, राइट। तो सबसे ज़्यादा उसमें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन एंगुलर मोमेंट अगर पूछा गया है, तो डेफिनेटली सिर्फ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको पता करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए में आयरन +3 में है, और चूंकि जो फ्लोरीन है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे इसका जो हो जाएगा वो 3d5 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे भी आयरन +3 में है, बट चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, राइट। पेयरिंग होने की वजह से आपको मालूम है कि इस टाइप से 3 और ऊपर में 2, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 1 2 3 4 5 यहीं भर जाएंगे, तो एक ही अनपेड होंगे। तो बी में आपके पास 1 अनपेड है, यहाँ पे 5 अनपेड है, यहाँ पे वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, +2 है, तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 4 ही अनपेड होंगे सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में वेनेडियम है तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 था, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 ही अनपेड है उसमें, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसके बारे में मैंने डी ब्लॉक में अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरा ट्रिक्स दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में ड्यूरिंग SN1 एंड SN2 क्या होता है, तो यू नो SN1 में आपको रेसिमाइजेशन होता है, राइट। क्यों? क्योंकि बोथ साइड अटैक होते हैं इसमें, क्योंकि कार्बोकटायन बनता है, और SN2 में इन्वर्जन होता है, राइट, जिसको वाल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। तो इसके बारे में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वीडियो लेक्चर नंबर 1 में ट्रिक्स दे रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में एक सॉल्यूशन अगर नेगेटिव डिविएशन शो करता है रॉड्स लॉ से तो क्या होगा, तो आपको बता रखा हूँ इस टाइप से इसके बारे में सॉल्यूशन में #4 में आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर ये इस टाइप से एक अगर ग्राफ बनता है, राइट, और ये टोटल का रहता है, तो ये नीचे जो रहेंगे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन। तो आप देख सकते हो इधर वेपर प्रेशर, तो नेगेटिव डिविएशन में वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम, और बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बारे में हमें ट्रिक्स दे रखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, तो CO में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। 14 के लिए हमने ट्रिक ही दे रखा है, मैक्सिमम 3 बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है डायटॉमिक मॉलिक्यूल में, तो 14 पद, और NO+ में भी 14 है,
तो 3 हो जाएंगे, सम तो 3 3 6 हो जाएगा। इंटीजर टाइप में ये क्वेश्चन था, राइट। इसके बारे में हमने पूरा ट्रिक्स दे रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, पार्ट 2 में आप देख सकते हो ये जाकर के वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट, मास ऑफ CHO4 फॉर फॉर्मेशन ऑफ 20 ग्राम CO2, तो इसके बारे में ट्रिक्स मैंने मोल कंसेप्ट में दे रखा है वीडियो लेक्चर नंबर 1 में। CH4 है, इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या मिलेगा, CO2 एंड H2O। बैलेंस करने के लिए एक कार्बन बैलेंस हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है तो राइट यहाँ 2H2O करना पड़ेगा, 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ 2O2 करना पड़ेगा। इसका कितना लिया है, 22 ग्राम, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके, हाफ मोल। तो इसके हाफ मोल 1 से 1 मिल रहा है तो इसका भी कितना होगा, हाफ मोल, 1/2 मोल, राइट। और हाफ मोल मतलब 16 ग्राम का हाफ, तो कितना हो जाएगा, 8 ग्राम इंटीजर टाइप में। ये क्वेश्चन पूछा गया इंटीजर टाइप में, इसके बारे में आपको ट्रिक्स दे रखा हूँ मोल कंसेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 में HBr H2O2 है, परऑक्साइड खराश इफेक्ट बोलते हैं, तो यूनो एंटी मार्कोनी कब होगा, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर करके यहाँ पे आपका Br लगेगा, ध्यान दें। तो यहाँ पे Br लगने से ये कार्बन कायरल हो चुका है और ये भी कायरल हो चुका है, 2 कायरल कार्बन है और सिमेट्री नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, डेट इज 4। तो इंटीजर टाइप में ये था, इसके बारे में आपको एल्कीन H2 में आपको दे रखा हूँ पूरा डिटेल ट्रिक्स ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 18 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N4 होगा और S हाफ, अगर N4 होगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे, 2N2, 2 × 4 का स्क्वायर, डेट इज 32 में 16 इलेक्ट्रॉन का S क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, और 16 का S क्या हो जाएगा, माइनस हाफ, तो प्लस हाफ वाले लेना है तो आंसर कितना हो जाएगा, 16। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में हम ट्रिक्स दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19 में इस टाइप से बहुत सारे कंपाउंड गिवन थे, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बताना था, तो मैंने इसका भी ट्रिक्स आपको दे रखा हूँ GOC 1 में #9 में, 9th वीडियो लेक्चर में। और इसके लिए सिंपल ट्रिक्स क्या है कि अगर एक भी रिंग अगर एरोमेटिक हो जाती है तो ओवरऑल कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पे ये एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। यहाँ पे भी ये एक बेंजीन रिंग है, राइट, तो एरोमेटिक हो जाएंगे क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक होते हैं। यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक, यहाँ पे भी एक बेंजीन रिंग है, ये एरोमेटिक। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 8 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो ये एंटी एरोमेटिक होंगे, तो ये नहीं हो सकते, तो कितने हो गए टोटल, 5, तो आंसर विल बी 5 इन दिस केस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसके बारे में अगेन GOC 1 में #5 वीडियो लेक्चर में ट्रिक्स दे रखा हूँ। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वो होंगे जो माइनस एम शो करेंगे, और माइनस एम की पहचान क्या है, बेंजीन से जो ग्रुप लगा होगा उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे लोन पेयर है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी लोन पेयर है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड आ गया तो ये हो जाएगा, सी एल लोन पेयर है तो नहीं हो सकता, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ गया तो ये हो जाएगा, राइट। ओ सी एच 3 लोन पेयर है तो नहीं होगा, एन ओ 2 एन डबल बॉन्ड ओ आ गया तो ये हो जाएंगे सी एन, सी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो हो जाएंगे, ये तो हो गया आपका मिथाइल ग्रुप टॉलिन, तो ये नहीं होगा, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे टोटल कितने आ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग 4 इसका आंसर आ जाएगा, राइट, टोटल 4 में हो रहा है, तो ये आपको वीडियो लेक्चर 5 में दे रखा हूँ। एक इस टाइप से केमिकल काइनेटिक्स आया हुआ क्वेश्चन है, HI का कंसंट्रेशन और रेट गिवन था, तो इसका भी मैं ट्रिक्स दे रखा हूँ अपने केमिकल काइनेटिक्स #2 वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो हमने कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो गया, कैसे, 7.5 × 4 करेंगे तो 30 आएगा, 30 का 1/10 कम हो गया है, देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमने फिर से कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट 4 टाइम्स हो रहा है, 3 × 4 = 12, इसलिए 1/10 का वो हो रहा है, राइट। तो डबल करने से जो आपका रेट है वो 4 टाइम्स हो रहा है, 4 मतलब 2 की पावर 2, तो इसलिए ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 2। इसके बारे में डिटेल आपको ट्रिक्स दे रखा हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 2 में। तो ये टोटल 21 हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, राइट, जस्ट ये मेमोरी बेस्ड है, ये जस्ट आपको ये बताने के लिए कि हमने अपना ट्रिक्स का एक सिंपल वीडियो लेक्चर बना रखा है जो कि 40 आवर्स में 11th एंड 12th दोनों की पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट है, राइट। पूरा कंसेप्चुअल ट्रिक से बनाया गया वो लेक्चर है जो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिल सकता, आप देख सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन को मैंने अपने वही ट्रिक से बनाया है और आपको रेफरेंस भी दिया है, अभी वीडियो लेक्चर में मैं लिंक भी डाल दूंगा तो आप देख सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में 75+ लाना तो सिंपल रफ़ी सर का ट्रिक्स वाला वीडियो लेक्चर देखिए, आपका ईजिली आएगा।
थैंक यू।